ganamos. ओके गाइस, सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चर्चा विद थगवा। और आज मेरे साथ है नन अदर देन फनेटिक स्काउट AKA तन्मय सिंह। स्काउट कैसा लग रहा है? बस यार बढ़िया लग रहा है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। अच्छा, तो स्काउट सबसे पहले मुझे कुछ अपने अर्ली लाइफ के बारे में बताओ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो आपको नहीं जानते अपार्ट फ्रॉम व्हाट्स, सब लोग स्काउट को जानते हैं, मुझे तन्मय सिंह के बारे में कुछ बताओ। जैसे आपने बोला कि बहुत लोग नहीं जानते, तो मेरे पास्ट में मैं एक प्रोफेशनल एथलीट रह चुका हूँ सॉकर में। तो माई ड्रीम वॉज टू रिप्रेजेंट इंडिया इन सॉकर, बट गेमिंग बोलते हैं कि बचपन से खेलते हुआ रहे, वीडियो गेम से लेके गेम बॉयज PS एवरीथिंग खेलते हुआ रहे, तो गेमिंग एक साथ में लाइफ का हिस्सा रह चुका है। तो एक जो सपना था कि नहीं स्पोर्ट्स को कहीं रिप्रेजेंट करना है इंडिया में, बट अब एक चांस मिला है कि पबजी मोबाइल के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि नहीं अब एक चांस मिला, अब रिप्रेजेंट किए हम लोग ने पहले भी, अब एक बोलते ना एक स्टेज मिल गया है कि अपना टैलेंट को शोकेस करने का। तो बस पहले जो स्काउट था वो था एक गेमिंग स्पोर्ट्स का करियर था, और अब जो है अभी भी स्पोर्ट्स है बट ये डिजिटल स्पोर्ट्स, डिजिटल स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स में। अच्छा, तो स्काउट PMSC 2018 से PMCO 2019 फॉल तक क्या चेंज हुआ आप में? हाउ इज लाइफ चेंज फॉर यू? PMSC 2018 वॉज माई फर्स्ट लैन इवेंट, बोलते इंडिया मतलब पबजी का ही पहला टूर्नामेंट था वो, और इंडिया से वी आर फ्यू इंक्लूडिंग यू एंड मी, वी आर द वंस हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल लेवल आउट देयर। तो उस टाइम पे बोलते हैं ना कि जस्ट तालाब से बाहर निकले थे, तो बड़ी मछलियाँ थी, देखे सीखे उनसे, सीखते सीखते पहुँच रहे, अब हमें और भी बड़ी मछलियाँ मिली है, जैसे अब उसके चाइना, चाइना एक अलग ही लेवल पे। तो अभी हम लोग जब जब नए नए प्लेयर से मिलते हैं तो उन लोग बैरियर सेट करते हैं, तो अब बैरियर बहुत हाई है, तो हम लोग बस ग्राइंड कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि उस बैरियर तक पहुँचे, फिर क्या पता उस बैरियर पर पहुँचने का वापस कोई अलग बैरियर सेट कर दे। तो ये ग्राइंडिंग वाला गेम है, आप एक बैरियर टच करोगे कल को कोई और बंदा वो बैरियर को ऊपर कर लेगा। बिल्कुल सही। अच्छा स्काउट, एक बात है, आपकी ई स्पोर्ट्स करियर बहुत फास्ट पेस रही है, आपने काफ़ी बार टीम्स बहुत क्विकली चेंज किया, जिसपे लोगों ने काफ़ी सवाल भी उठाए हैं, बट इसका एक वन स्टॉप आप क्या मैसेज देना चाहोगे? बिकॉज मी एज समवन जो ई स्पोर्ट्स को काफ़ी क्लोजली फॉलो करता है, आई एम वेरी मच इम्प्रेस बाय योर करियर, कि बिकॉज आपने सही डिसीजन सही टाइम पे लिया। पर आपका जैसे कि मैं आपको बोला कि काफ़ी लोग आपके इन मूव्स को पे सवाल उठाते हैं, बट व्हाट हैज़ बीन योर आउटलुक, आप क्यों ये करते हो एंड आपके माइंड में क्या चलता है, और आप अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे कि आप ये क्यों करते हो? अब अपने से बोल सकते हैं इंडिया इमोशनली बहुत अटैच रहते हैं अपने फैन फेवरेट से, जैसे हम लोग किसी के लिए आइडल होते हैं तो वो हम लोग से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, तो कोई गलती है नहीं, बट ये है कि इंडिया में जो ई स्पोर्ट्स है बहुत लेट आया है, तो लोगों को पता नहीं कि ई स्पोर्ट्स किस तरीके से चलता है। अगर आप इंडिया के अलावा बाहर के ई स्पोर्ट्स देखोगे तो टीम्स लीग्स के हिसाब से बदलती है, आज टूर्नामेंट बनी कल को अगले टूर्नामेंट में सेम टीम नहीं रहेगी, अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे आप रिमूव कर दिए जाओगे, अगर आप अच्छे परफॉर्म कर रहे हो आपको एक अच्छी टीम खरीद लेगी। ई स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसको मना करो तो अपॉर्चुनिटी बार बार नॉक नहीं करते आपके डोर पे। तो ई स्पोर्ट्स ऐसा है, आप जो लोग बोलते हैं कि यार आप टीम बदल रहे हो तो कोई इशू नहीं है, अभी जैसे कि ई स्पोर्ट्स बहुत बड़ा हो चुका है, लोगों को समझ आ रहा है कि कॉम्पिटेटिव सिनेरियो का है क्या है अभी, क्योंकि आज के डेट पे पबजी मोबाइल एक गेम नहीं है, ये एक ई स्पोर्ट्स बन चुका है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन होती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कल को अगर मैं खराब खेलूंगा तो ऑब्वियसली बात है फेनाटिक मुझे रिमूव करके कोई मेरे से बेटर प्लेयर को ले लेगी। तो दिस इज नॉट अबाउट बींग इन अ सेम टीम, इट्स अबाउट गेटिंग बेटर देन यस्टरडे एंड गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज विच आर बींग नॉक्ड ऑन योर डोर्स। बिल्कुल सही। तो टॉकिंग अबाउट फनेटिक, आपको कैसा फील होता है कि आप फनेटिक जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट चॉइस थे एंड यू आर द ओनली पबजी मोबाइल टीम दैट दे हैव, तो मतलब इस चीज़ का आपको यू नो क्या फीलिंग आता है? टू बी ऑनेस्ट फनेटिक एक ड्रीम कम ट्रू है, क्योंकि आपको जैसे बताया था मैंने बचपन से खेलते वाला गेम्स, तो मैं पहले एक गेम था काउंटर स्ट्राइक जो आज भी बहुत बड़े लेवल पे है, तो उसको मैं खेलते आ रहा था। उस टाइम पे मेरे भी बहुत सारे आइडल्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ना देख के सीखते हैं, जैसे फुटबॉल को ही देख खेल रहा है तो रोनाल्डो मेसी से बहुत कुछ सीखता है, तो जैसे हम काउंटर स्ट्राइक खेलते थे तो फनेटिक ओलफ मेस्टर मार्केलोव इन लोग बहुत सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स जिनको हम लोग देख के सीखते थे, उस टाइम पे फनेटिक उस टाइम से अब तक फनेटिक बहुत बड़ी ऑर्ग रह चुकी है, तो ड्रीम था कि यार कभी चांस मिले तो फनेटिक का ग्लोबल आगे खेलेंगे, बट अब खुद हम लोग एक टीम बन के खेल रहे थे, प्राउड फीलिंग भी है और एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अच्छा, तो ये एक और चीज़ है जो मैं अपने तरफ से चाहता हूँ कि जनता जाने कि हाउ इज ऑन स्क्रीन स्काउट डिफरेंट फ्रॉम ऑफ स्क्रीन स्काउट, जैसे यहाँ मैं और आप बैठे हम लोग बातें कर रहे हैं, पर ये चीज़ होती है कि कभी कभी ऑन स्क्रीन में यू नो एक आपका अलग रूप हमें देखने को मिलता है विच इज़ नॉट अप्रेज्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, तो हाउ आर यू डिफरेंट ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन एंड आपके ऑन स्क्रीन अपीयरेंस के पीछे क्या रीज़न है? ऑन स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन स्काउट रहता है, ऑफ स्क्रीन तन्मय होता है, जैसे स्ट्रीम बंद होती है स्काउट खत्म, स्काउट उस स्क्रीन के अंदर ही इंटरनेट वाला स्काउट है, बस इंटरनेट बंद तो तन्मय हो जाता है,
तन्मय कैसा बंदा जो चिल लाइफ में एंजॉय करना था, अपने बंदे हैं, अपने दोस्त है, सबके साथ घूमता है, चिल मारता है, मतलब लाइफ का एकदम फुल लिव लाइफ टू इज फुलेस्ट होता है ना, वो एक रूल लेके चलता है। स्काउट जो है उसको दुनिया से कुछ मतलब नहीं, उसका बस एक ही टारगेट है, मुझे बेस्ट बनना है। अच्छा अगर कहीं पे अगर स्काउट एरोगेंट हो रहा है, मतलब उस पॉइंट में उसको पता है कि उससे ऊपर 100 लोग निकल चुके हैं, हाँ क्योंकि वो उस टाइम पे एरोगेंट इसलिए रहता है क्योंकि वो ग्राइंड कर रहा होता है, ग्राइंड कर रहा हाँ होता है। उसको अगर कोई पोक करता है कि नहीं भाई मुझे ग्राइंड करना है, मेरे पास और कोई ये नहीं है डेस्टिनी, मेरा डेस्टिनी ये है कि मैं जिस चीज़ में उसमें बेस्ट बनना है। तो स्काउट एक ऐसा बंदा है जिसको उसको एक जिद है, उसको जो पसंद आई वो लेके रहता है। अच्छा तो ठीक है, तो हम लोग कब एक शांत एंड सीधा साधा स्काउट देखने मिलेगा हमें, कब वो आपका एक पॉइंट होगा कि जब से कि अब मैंने ये हासिल कर ली तो इसके बाद मैं स्काउट और तन्मय को मर्ज कर दूंगा, वो आपकी लाइफ में आपके हिसाब से क्या पॉइंट रहेगा? यार मेरा तो एक ही एक अचीवमेंट अभी तक कि एक बार इंडिया को ग्लोबल लेवल पे जिताना है, बस जिस दिन वो मैं जीता उस दिन समझ लो कि स्काउट तन्मय के लेवल पे आ चुके हैं, अच्छा तब तक चलिए, यही चलते रहेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा तो आपके पेरेंट्स हाउ प्राउड आर दे, क्योंकि कभी ये बात आपने कभी किसी से की नहीं, हाउ व्हाट डू योर पेरेंट्स थिंक अबाउट योर करियर एंड हाउ प्राउड आर दे फॉर ऑल दैट यू हैव अचीव टिल नाउ? पहले तो पेरेंट्स थोड़ा इस चीज़ को लेके बहुत परेशान थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि गेमिंग में क्या है, क्योंकि जैसा गौफन ने बताया कि स्पोर्ट्स बहुत लेट आया इंडिया में, तो उनको भी आइडिया नहीं था कि स्पोर्ट्स क्या होता है। तो पहले पेरेंट्स को लगता था कि यार तू मोबाइल लेके बैठा है क्या कर रहा है, पढ़ाई कर ले, अब स्पोर्ट्स खेल। मैं अपना स्टडीज को छोड़ा था स्पोर्ट्स के लिए, और फिर अब स्पोर्ट्स छोड़ के गेमिंग पे आया। मैं घर वाले बोल रहे थे कि यार तू पढ़ाई छोड़ दी, मैं अब स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, तो स्पोर्ट्स भी छोड़ के गेमिंग कर रहा, तो करना ही आता है। और तो फिर जैसे मैंने पहली बार थाईलैंड जा गया फॉर PMSA 2018, तब घर वालों को लगा कि अरे ये इस चीज़ के लिए गया है। तो बाद में घर वालों को थोड़ा थोड़ा मैंने समझाया कि देखो ऐसा होता है, टाइम लगा हर चीज़ को। तो समझ लो कि नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में मैंने घर वालों को समझा दिया कि देखो ई स्पोर्ट्स ये होता है, यहाँ से ई स्पोर्ट्स एक करियर है, आउट ऑफ इंडिया ई स्पोर्ट्स एक बिग करियर, जैसे डॉक्टर होता है, पुलिस मैन होता है, ये सब होता है, वैसे ई स्पोर्ट्स एक करियर है। तो बिल्कुल समझाने सही। में टाइम लगता है, तो कुछ नहीं, बहुत सारे मेरे को पूछते लोग कि हम लोग कैसे ई स्पोर्ट्स का ऐसा करियर ले, तो बस यही यार आप प्रूव करो अपने पेरेंट्स को, टाइम देकर समझाओ कि ई स्पोर्ट्स हाँ ऐसा चीज़ है। यस बिल्कुल सही कहा आपने। स्काउट आप अपने आप को आज से 1 साल बाद कहाँ देखते हो? मैं अपने आप को आज से 1 साल बाद, मेरा जो एक्सपेक्टेशंस है कि मैं इंडिया को एक बार जीतना होगा, इंडिया के थ्रू एक बार जीतना है, भले मैं अच्छा कोई भी वर्ग से खेलूँ, मुझे इंडिया का फ्लैग लेके एक बार टूर्नामेंट जीतना है। उसके बाद मैं एक आप समझ लो कि वो स्काउट अब खत्म हो जाएगा, फिर जो था ना जो फाइट बैक वाला स्काउट वो खत्म हो जाएगा, वो एक चिल वाला स्काउट आ जाएगा, फिर कि चलो अब वो अचीव हो गया, अब एंटरटेन करो बंदों को, अच्छा वो स्काउट आएगा बाद में। ओके। स्काउट दिल से गॉड लाइक या फनेटिक? गॉड लाइक अच्छा एक सवाल और था आपके लिए मेरे पास, हु हैज बिन द बेस्ट स्नाइपर जिसके साथ आपने आज तक खेला है, असैसिन एट हिज पीक, दलजीत या रौनक? रौनक को मैं जज नहीं कर सकता क्योंकि रौनक के साथ अभी कम ही टाइम स्पेंड हुआ है, और असासिन दलजीत तो अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी एक बंदे का बहुत ज़्यादा स्किल है, वो बंदा तोड़फोड़ मचा लेता है, और एक बंदा जिस उस फील्ड में करते हो, आपको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत लोग इसमें ऑफेंड भी हो सकते हैं, बट एक एग्जाम्पल है फुटबॉल को लेकर, ठीक है। रोनाल्डो मेस्सी को लोग कंपेयर करते हुए आते हैं, बीच में नेमार अपने पीक पे था, तो लोग बोलने लगे कि रोनाल्डो मेस्सी से बेटर है नेमार, बट राइट उनको ये नहीं पता कि रोनाल्डो मेस्सी जो नेमार अब कर रहा है और हाँ रोनाल्डो मेस्सी 10 साल से करते कर हुए आ रहा चुके है। हैं। बस यही है मेरा दलजीत और असासिन के लिए तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि असैसिन इज रोनाल्डो एक्सपीरियंस। मेसी विथ हाँ एक्सपीरियंस एंड दलजीत इज समवन जिनने एक पॉइंट ऑफ टाइम में पीक पीक लिया। लिया, और मेरे को पता है कि नेमार इन फ्यूचर विल बी द बेस्ट प्लेयर, तो दलजीत इज अच्छा गोना बी द बेस्ट स्नाइपर इन इंडिया। अच्छा ओके। सो स्काउट हु हैव बीन दोज 5 पीपल कम्युनिटी से जो आपको आपके बेस्ट एंड वर्स्ट टाइम्स में जिनको आप लुक अपॉन कर सकते हो, जिन्होंने आपको मदद की हो? 5 पीपल। दो बंदे तो मैं बिना कुछ सोचे में बोल सकते, एक थग और एक क्रेटोस, क्योंकि थग का मेन रीजन है क्योंकि अपने हमें हम दोनों को पता है कि जब ऑब्वियसली साथ में आए थे तो किस टाइम पे आए थे और बिल्कुल किस टाइम सही से साथ में, और सही क्रेटोस एक ऐसा बंदा है जो जिसके साथ में एज अ ओपोनेंट मिला था, एज अ एनिमी मिला था, राइवलरी से दोस्ती हुई है और दोस्ती से भाईचारा बढ़ा है, तो ये दो बंदे तो नो डाउट। फिर मोर्टल से भी एक क्रेटोस वाली जर्नी रही है कि हाँ राइवलरी से मिले, दोस्ती हुए, बट ऑन स्क्रीन राइवल रहना जरूरी है, वो स्क्रीन वो रहना वो जरूरी है, रहना इट्स अ जरूरी क्योंकि पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन राइट बट ऑफ स्क्रीन लोगों नहीं पता कि हम लोग कितने क्लोज हैं, हम लोग कितना कितना प्यार है दूसरे के बीच में, ओके एक वो है। तो मेरे टॉप 3 तो ये हो जाते हैं, क्रेटोस, थग, मोर्टल। फिर उसके बाद आते हैं क्रिश भाई, जिन्होंने मुझे मेरे एकदम वर्स्ट टाइम में मुझे पिक किया, जिस टाइम में मैं कुछ नहीं, मतलब लिटरली एक ऐसा पॉइंट एक आ गया डाउन था, फेज में थे डाउन आप। फेज था, उस टाइम मैं गिव अप करने वाला था कि नहीं यार स्पोर्ट्स अब नहीं होगा यार, बहुत मेहनत के लिए अब तो कहीं सपोर्ट भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो क्रिश भाई इस मस्ट, उन्होंने मेरे को किया है। एक और बचा है एक लास्ट बचा है ना,
बहुत डिफिकल्ट चॉइस है बोले तो, चलिए बहुत मैं सारे। आपको हेल्प करता हूँ मेरे हाँ अंदाज में, नोवा या स्मोकी? इसमें तो आप नो डाउट, दोनों मेरे भाई है, फ्रैंकली स्पीकिंग दोनों मेरे बहुत क्लोज है। मैं बोलता सबसे पहले मैंने स्मोकी को लेके आया था कि हाँ स्मोकी में कोई बोलते ना सब प्लेयर में एक चमकता तारा दिखा था, हाँ नहीं ये इस बंदे में स्किल है इसको लेके हाँ आया, और नोवा फिर स्मोकी ने नोवा को लेके आया, और दोनों से इतनी अच्छी बॉन्डिंग रह गई ना कि दोनों को मैं एक दूसरे के अगेंस्ट मतलब किसको ऊपर नीचे नहीं कंपेयर नहीं मानता, कर तो मैं सकते। स्मोकी नोवा दोनों बोलना चाहता हूँ, चलिए क्योंकि मैं ठीक है, कंपेयर नहीं आपके लिए करना। इजी कर देता हूँ हाँ मैं। अच्छा स्काउट, जाते जाते फर्स्ट एपिसोड के लिए आप व्यूअर्स को और सारे एस्पायरिंग प्लेयर्स को अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यार बस एक ही मैसेज है जनता को, मैं एक ही चीज समझाना चाहता हूँ कि यार हम लोग इन गेम राइवल्स रहना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन है, ऑफ स्क्रीन हम लोग बहुत ज़्यादा ही क्लोज फ्रेंड्स हैं और भाई जैसे हैं। तो आप प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट यार, किसी को हेट मत फैलाओ, सपोर्ट एवरीवन, लव वन रेस्पेक्ट ऑल, बस ये लेके चलो, एक दिन से प्यार करो बट रेस्पेक्ट सबकी करो। बिल्कुल सही कहा आपने। सो स्काउट थैंक यू सो मच फॉर टर्निंग अप एंड बहुत अच्छा लगा गाइस। गाइस दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड विद तन्मय सिंह ए के स्काउट। नेक्स्ट एपिसोड रहेगा हमारा फन रैपिड फायर एंड उसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब करना पड़ेगा, भूलिएगा मत। विल बी बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ चर्चा विद फंगुआ।